हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे कीटोजेनेसिस या फिर कीटोन बॉडी सिंथेसिस। तो आपको पता होगा कीटोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है, एसिटाइल कोए से। और एसिटाइल कोए कहाँ बनते हैं, एसिटाइल कोए बनते हैं या तो बनेंगे हमारे बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, ओके। और इसके बाद एसिटाइल कोए या तो जाएगा कीटोन बॉडी सिंथेसिस में या फिर जाएगा क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ FFA, मतलब फ्री फैटी एसिड, ओके। फ्री फैटी एसिड देखिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स, जो कि बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके, ताकि समझने में आसानी हो। फ्री फैटी एसिड बना, इसके बाद यहाँ क्या बना, दिस इज असाइल को एंजाइम ए, ओके। असाइल को एंजाइम में बना, इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज असीटो असाइल असीटो असिटाइल को एंजाइम में, ओके। असाइल को एंजाइम में असीटो असाइल असीटो असीटो असिटाइल को एंजाइम में, इसके बाद क्या बना, यहाँ पे बने हमारे टू मॉलिक्यूल ऑफ असिटाइल को एंजाइम है। और उसके बाद क्या बना, यहाँ पे आया सिट्रिक एसिड साइकिल, ओके। सीएसी मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, ओके। अब देखते हैं ये क्या हमने यहाँ लिखा गया है। तो देखिए बेसिकली हमने यहाँ पे लिखी है स्टेप्स। तो देखिए ये क्या है, देखिए सबसे पहले फ्री फैटी एसिड है, ओके। फ्री फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हुआ और क्या बना, असाइल कोए, मतलब असाइल कोए मतलब फैटी एसिड का एक्टिव फॉर्म। तो असाइल कोए एक्टिव फॉर्म हो गया फैटी एसिड का। असाइल कोए कहाँ गया, बीटा ऑक्सीडेशन में। तो देखिए बीटा ऑक्सीडेशन में हमने यहाँ पे लिखा असीटो असिटाइल कोए, जो कि ये क्या है, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ फोर कार्बन, यह चार कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, ओके। देखिए असाइल कोए इसका कोई कार्बन फिक्स नहीं है, ओके। देखिए जैसे फैटी एसिड में कितने भी कार्बन हो सकते हैं ना, तो ये एक्टिव फैटी एसिड है तो इसमें कोई फिक्स कार्बन नहीं है, जबकि असीटो असिटाइल कोए में फिक्स है चार कार्बन, ओके। तो देखिए इसका बीटा ऑक्सीडेशन हुआ और क्या बना, असीटो असिटाइल कोए, और क्या बनेगा इसके साथ, बनेगा यहाँ पे असिटाइल कोए, असिटाइल कोए मतलब क्या, मतलब यू की देखिए असाइल कोए का बीटा ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो एक तो बना हमारा असीटो असिटाइल कोए मतलब बीटा ऑक्सीडेशन की लास्ट स्टेप में, और एक क्या बना हमारा असिटाइल कोए, ओके। और आपको पता होगा असिटाइल कोए में कितने कार्बन होते हैं, दो कार्बन, ओके। इसके बाद असिटाइल असीटो असिटाइल कोए इसमें चार कार्बन है, ओके। तो इससे क्या बने, इससे बने दो मॉलिक्यूल ऑफ असिटाइल कोए। देखिए इसमें चार कार्बन है ना, तो इसमें होते हैं दो कार्बन, तो दो कार्बन इंटू टू मतलब चार कार्बन, ओके। उसके बाद देखिए जो ये असिटाइल कोए है, हमने इसको यहां पे भी भेज दिया, ओके। तो देखिए अभी हम सारा क्लियर करेंगे कि हमने यहाँ क्यों भेजा। और देखिए इसके बाद असिटाइल कोए के दो फेट है, दो फ्यूचर है। फ्यूचर क्या, पहला फ्यूचर तो है इसका कि ये जाए कहाँ पे, सिट्रिक एसिड साइकिल में। असिटाइल कोए का पहला फ्यूचर क्या है, कि ये जाए सिट्रिक एसिड साइकिल में, ओके। तो देखिए ये तो हो गया इसका स्टेप्स कहाँ पे, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाने का। अब हमें क्या करना है, हमें सिट्रिक एसिड साइकिल में असिटाइल कोए को सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं भेजना है, ओके। हमें इसे भेजना है कीटोन बॉडी सिंथेसिस में, ओके। अब इसे कीटोन बॉडी सिंथेसिस में कैसे, तो कुछ नहीं करना, जो असिटाइल कोए के दो मॉलिक्यूल होते हैं वह असिटो असिटाइल कोए, ओके। देखिए असिटो असिटाइल कोए है ना, इसे दो मॉलिक्यूल इसके बन गए, ओके। तो देखिए एक असिटाइल कोए और एक वन मॉलिक्यूल ऑफ असिटो असिटाइल कोए, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एचएमजी कोए, ओके। तो देखिए मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, ये आया इसका एक मॉलिक्यूल इसका आया, और देखिए दोनों यहां पे मिल गए और यहां पे क्या बना, यहां पे बना हमारा एचएमजी कोए, एचएमजी कोए। देखिए हमने एचएमजी कोए, आपका नाम पता होगा इसका नाम क्या है, दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम है, ओके। तो ये हो गया, ये बना। अब देखिए एचएमजी कोए के बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा यहां पे असीटो एसिटेट, ओके। क्या बनेगा, असीटो एसिटेट। तो ये बना दिया हमने असीटो
एसिटोसिटेट, वो जानते हैं एसिटोसिटेट ये क्या है, दिस इज कीटोन बॉडी, एसिटोसिटेट कीटोन बॉडी है। इसके बाद देखिए एसिटोसिटेट से जो कि ये फर्स्ट फॉर्म कीटोन बॉडी है, कीटोन बॉडीज तीन होती है ना, एसिटोसिटेट, एसिटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, मतलब तीनों कीटोन बॉडीज में से सबसे पहले बनती है एसिटोसिटेट, बाद में यही कीटोन बॉडीज अनदर टू कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करती है। अनदर अनदर टू कौन सी है, एक है हमारी बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्राइल, BUTYRATE, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, एक हो गई, दूसरी हो गई, और तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है हमारी एसीटोन, ओके, तीसरी होती है एसीटोन, ओके। तो देखिए हम यहाँ पर हम सिक्वेंसिंग लिखते हैं, तो देखिए HMG कोए से बना क्या, एसिटेट, ये क्या है, दिस इज कीटोन बॉडी, एसिटोसिटेट कीटोन बॉडी है ना, ओके। इसके बाद इससे बना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ओके। देखिए जो एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, इन दोनों में डिफरेंस होता है ओनली सी डबल बॉन्ड ओ और सी सिंगल बॉन्ड ओ एच का, ओनली इसका डिफरेंस होता है, मतलब ये दोनों क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल, मतलब ओनली, देखिए इसमें अगर हम एसिटोएसिटेट को इसमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, ओनली हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और ये इसमें चेंज करना है तो ओनली हाइड्रोजन हटाएंगे, मतलब ओनली हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इधर गया हाइड्रोजन ऐड किया, इधर किया तो हाइड्रोजन रिमूव किया। उसके बाद देखिए एसिटोएसिटेट से जो एसीटोन बनता है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एसिटोएसिटेट का आया और एक मॉलिक्यूल किसका आया, एसिटाइल कोए का, तो चार और दो छह कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना जिसे बोलते हैं HMG या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम ए, ओके। छह का ये बना, छह के ये से ये बना चार का। अब देखिए मैंने एसिटोसिटेट देखिए यहाँ पे है ना, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम है, मतलब यहाँ पे ओनली कोएंजाइम ए है लेकिन दोनों है तो सेम, तो देखिए यहाँ पे चार कार्बन है तो यहाँ पे छह कार्बन है, मतलब दो कार्बन का छूमंतर है। तो देखिए हमने यहाँ पे दो एसिटाइल कोए लिखे हैं, दो एसिटाइल कोए लिखे हैं ना, तो देखिए एक कहाँ से आया, एक आया यहाँ से, यहाँ बना एसिटाइल कोएंजाइम है, ओके, एसिटाइल कोएंजाइम है बना ना, तो देखिए यहाँ से निकला और इधर चला गया, ओके। तो इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें होते हैं दो कार्बन, मतलब देखिए एक मॉलिक्यूल इसका है, एक मॉलिक्यूल इसका है, दोनों ने आए जुड़ गए, छह कार्बन का HMG कोए बनाया, इसके बाद चार कार्बन का एसिटोसिटेट बना, चार कार्बन का बना, मतलब दो कार्बन का डिफरेंस है, तो एसिटाइल कोए गया और यहाँ पे निकल गया, ओके। इसके बाद देखिए एसिटोन में कितने कार्बन होते हैं, तीन कार्बन, मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन का चक्कर है। अब वो चक्कर को कैसे फिलअप करें, वो चक्कर हमारा फिलअप होगा CO2 निकाल के। तो देखिए हमने यहाँ पे एक CO2 निकाल रहे हैं, CO2 निकालने का पर्पज क्या है, जो कि है एक कार्बन वाली, तो हो गया ना चार कार्बन, तीन और एक चार कार्बन, तो ये पूरा पर्पज हो गया। उसके बाद देखिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, इसमें आपको पता होगा इसमें तो होते हैं चार कार्बन, तो कुछ भी नहीं निकलेगा, ओके। और हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे ओनली वन हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, ओके। तो देखिए ये तो हो गई पूरी बेसिक साइकिल, अब देखते हैं हमारा सेकंड सीक्वेंस क्या है, सेकंड सीक्वेंस है इनके फॉर्मूलाज पे। देखिए अगर हमको असाइल कोए, एसिटोसिटाइल कोए या फिर HMG कोए, इन सबके फॉर्मूले याद होंगे तो पूरा साइकिल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, आपको इनके नाम तक याद नहीं करने पड़ेंगे। तो देखिए हम फॉर्मूले पे आते हैं, तो असाइल कोए का फॉर्मूला क्या होगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH SCOA, दिस इज असाइल कोए, इसमें कोई कार्बन फिक्स नहीं है, आर की जगह कितने भी कार्बन आ सकते हैं। असाइल कोए क्या है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड जब भी कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो पहले क्या होगा, वह एक्टिव होगा, ओके। इसके बाद देखिए असिटाइल कोए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बोन O CH2 CS COA, ये क्या है, दिस इज एसिटोएसिटाइल कोए। देखिए हमने चार कार्बन लिखा तो 1 2 3 4, यहाँ पे चार कार्बन है। उसके बाद एसिटाइल कोए इसका फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, CH3 CS COA डबल बोन O, ये एसिटाइल कोए का फॉर्मूला। इसके बाद देखिए HMG कोए का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है COOH CH2, ओके, एक मैंने लिखा ऐसे। उसके बाद देखिए मैं अदर कलर का यूज कर रहा हूँ, CH2 CS COA डबल बोन O, और यहाँ पे क्या आएगा, नीचे आएगा OH
और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा CH3। ओके, अब देखिए हमने ये फॉर्मूला लिखा तो देखिए हमने एक बहुत ही खतरनाक चीज समझ ली। वह क्या, नाम क्या है, HMG को एंजाइम ए। ओके, अब HMG की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, हम इसकी फुल फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पे कि HMG की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बीटा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल। ओके, ग्लूटेराइल तो ये किसकी फॉर्म है, ये किसकी पूरी फुल फॉर्म है, HMG को होएगी। देखिए H से मतलब, देखिए ना, H से मतलब हाइड्रोक्सी, M से मिथाइल, G से ग्लूटेराइल। ओके, तो HMG को हो गया। अब देखिए इसको यहाँ अप्लाई कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, अप्लाई करने में कुछ नहीं है। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी, देखिए दिस इज अल्फा कार्बन और दिस इज बीटा कार्बन। ओके, दिस इज एल्फा कार्बन एंड दिस वन इज बीटा कार्बन। तो देखिए बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो देखिए बीटा पे हाइड्रोक्सी है, बीटा पे मिथाइल भी है, तो देखिए बीटा पे मिथाइल भी है, और ग्लूटराइल। ओके, तो पूरा ग्लूटराइल हो गया, और कोएंजाइम है क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम है, इसमें एड है। ओके, तो देखिए इसका नाम हमें याद हो गया बिना किसी रटे हुए। अब देखिए हमने बोला 6 कार्बन है, तो देखिए यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 कार्बन भी होंगे। ओके, उसके बाद आते हैं हम एसीटो एसीटेट के, तो देखिए एसीटो एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड O O H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ओके, इसके बाद ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइल का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे ओनली डिफरेंस होगा, देखिए हमने पहले वाली वीडियो में बताया था, ओनली डिफरेंस होगा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी सिंगल बोन ओ एच। ओके, देखिए डिफरेंस कहाँ पे है, ओनली डिफरेंस यहाँ पे है, और इसके अलावा जो ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि इनमें ओनली एक सॉरी हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मतलब इसका अपन ने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो ये बन गया, इससे हाइड्रोजन निकाला तो ये बन गया। ओके, तो देखिए इसके साथ हमें इसके एंजाइम्स भी याद हो गए, अगर इससे ये बनाना है तो यहाँ पे एक एंजाइम होगा, उस एंजाइम का नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डीहाइड्रोजिनेज। ओके, तो देखिए ना बहुत सिंपल है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डीहाइड्रोजिनेज, मतलब क्या, सॉरी यहाँ पे मैंने ये नंबरिंग तो उल्टी कर दी है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें ऐसे आएगा, सही सॉरी मैं दोबारा अदर पेज से कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगा ऐसे, यहाँ पे आएगा ऐसे। ओके, आप सही कर लेना, इधर वाला साइन ऐसे आएगा और ये वाला आएगा ऐसे, मतलब क्या, मतलब ये कि अगर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट से ये बनेगा तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, हाइड्रोजन रिमूव करते ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है हमने डीहाइड्रोजिनेज, और ये नाम क्या है, ये नाम ये वाला नाम ही है। ओके, उसके बाद देखिए हमें ये वाला काम करना है, इससे ये बनाना है, तो इसके लिए क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं करना, सॉरी इसके लिए हमें इसमें हाइड्रोजन एड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एड करना पड़ेगा, मतलब NADH से NAD निकालना पड़ेगा। ओके, NAD प्लस, तो देखिए NADH से NAD निकला, तो इससे हमें एक हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन गेन हुआ, दो हाइड्रोजन गेन हुए, और दो हाइड्रोजन इसमें एड होके क्या बन गया, OH और H, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बन गया। ओके, तो देखिए इधर का पूरा काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए हमने बोला कि सबसे पहली बनने वाली कीटोन बॉडी कौन सी है, एसीटो एसीटेट, जो कि बनाती है अदर दो कीटोन बॉडीज, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। देखिए ये तो रिवर्सिबल है, जबकि इधर वाला स्टेप क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब इसमें कोई अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ओके, तो दिस स्टेप इज स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, दिस स्टेप इज स्पॉन्टेनियस। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे HMG कोए से एसीटो एसीटेट बन रहा है, मतलब HMG कोए का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब टूट रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, यहाँ पे एंजाइम होगा HMG कोए लाइज। ओके, LYASE, HMG कोए लाइज होगा, जो कि इसको तोड़ के ये दोनों बनाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए असीटो असीटाइल कोएंजाइम ऐसे दो असीटाइल कोए बन रहे हैं। ओके, देखिए तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, थायोलेज, देखिए ये एंजाइम हमने बीटा ऑक्सीडेशन में पढ़ा है, सॉरी बीटा ऑक्सीडेशन नहीं, सॉरी हमने कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस, कोलेस्ट्रोल में बनता है ना असीटो असीटाइल सॉरी असीटाइल कोए जुड़ के ये बनाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, थायोलेज, तो यहाँ पे थायोलेज एंजाइम आ गया। ओके, देखिए जो ये वाले स्टेप है ये रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल का मतलब ये इधर से इधर भी जा सकती है, ये इधर से इधर भी जा सकती है। ओके,
वो कैसे? तो देखिए मतलब यूं कि एसिड एसिड ब्रेक डाउन होकर ये बनाएगा और ये दोनों जुड़ के भी ये बना सकते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एसिटोसिटाइल कोए हैं, देखिए यहाँ तो पूरा एक मॉलिक्यूल है उसमें ओनली एक कोए हैं, जबकि यहाँ पे असिटाइल कोए हैं, मतलब दो असिटाइल कोए है ना, तो दो ही कोए होंगे। यहाँ पे ओनली एक को एंजाइम ए है, जबकि यहाँ पे दो को एंजाइम ए ओ है, तो यहाँ पे हमें ए को रेड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो सी ओ ए करने पड़ेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अब आपके सामने सी ओ ए को ऐड करेंगे, देखिए ये को एंजाइम ए है, इसको हमने इसके अंदर एंटर किया, जा भी सकता है, भी रिवर्सिबल क्यों, देखिए अगर इससे ये बनेगा, देखिए दो है तो रिवर्सिबल होगी, तो स्टेप सीक्वेंस हो गया, यहाँ पे दो कोएंजाइम ए है तो यहाँ पे भी दो हो गए ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ओके यहाँ पे थायोलेज एंजाइम है जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस में भी पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए असाइल कोए से असिटोसिटाइल कोए और असिटाइल कोए, देखिए बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन में असिटाइल कोए ही तो बनते हैं। ओके तो ये वाला स्टेप क्या है, दिस इज बीटा ऑक्सीडेशन, दिस इज बीटा ऑक्सीडेशन। ओके इसके बाद ये बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, तो ओके एक बार हम पूरा का पूरा हमारा पूरा चार्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं स्पीडली, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमने स्टार्ट किया फैटी एसिड से, देखो क्योंकि फैटी एसिड ही बनाते हैं कीटोन बॉडी, तो अब कैसे बनी तो देखते हैं। फैटी एसिड आया, फैटी एसिड का एक्टिवेशन हुआ, क्या बना, असाइल कोए, असाइल कोए, ओके असाइल कोए कहाँ गया, बीटा ऑक्सीडेशन में, बीटा ऑक्सीडेशन में गया, तो इसने क्या बनाया, असीटो असिटाइल कोए और असिटाइल कोए, दो चीजें बनाई। ओके दो चीजें बनाई तो क्या हुआ, इसके बाद देखिए असिटोसिटाइल कोए का आगे ब्रेकडाउन हुआ टू असिटाइल को एंजाइम ए में। ओके और असिटाइल को एंजाइम में देन कहां जाते हैं, ये जाते हैं टी सी ए, यहाँ पे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ओके टी सी ए कह दो या सी ए सी सिट्रिक एसिड साइकिल कह दो या क्रेब्स साइकिल कह दो, इसमें इंटर हो जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया एसिटाइल कोए का सिट्रिक एसिड में जाने का पाथवे, मतलब इसके पास दो रास्ते हैं, पहले तो जाएगा ये या तो जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में या फिर जाएगा कीटोन बॉडी सिंथेसिस में। ओके अब देखिए हमें ये तो हो गया सिट्रिक एसिड में, अब हमें बनानी क्या, कीटोन बॉडी, तो हमें इससे कहाँ इंटर कराना पड़ेगा, कीटोन बॉडी सिंथेसिस में। तो देखिए क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ असिटाइल कोए और वन मॉलिक्यूल ऑफ असिटो असिटाइल कोए दोनों आते हैं और कंडेंस होते हैं और क्या बनता है, एच एम जी कोए, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है। ओके अब देखिए ये फॉर्मूला हमने कैसे लिखा, सॉरी इसको भूल गए थे हम, तो देखिए ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे असिटाइल कोए लिख रखा है ना, ओके दिस इज असिटाइल कोए, असिटाइल कोए का फॉर्मूला क्या होता है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एस सी सी ओ है। ओके ये फॉर्मूला है ना इसका। ओके तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला है ना सी एच टू सी डब्ल्यू एच, ये कहाँ से आया, ये आया हमारा यहाँ से, इससे आया। ओके ये तो आया हमारा इससे, ये वाला पार्ट किससे आया, ये वाला पार्ट तो आया इससे, जबकि ये बचा वाला पूरा पोर्शन है, ये बचा वाला पोर्शन कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये बचा पोर्शन यहाँ से आया, और कनेक्ट कहाँ से हुआ, देखिए इस पार्ट ने तो क्या बनाया, इधर वाले पार्ट ने तो बनाया सी डबल ओ एच, और इधर वाला पार्ट से देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है, तो देखिए सी डबल बॉन्ड ओ क्या बन गया, ओ एच, और सी एस थ्री ऊपर निकल गया, तो देखिए सी एस थ्री ऊपर निकल गया। ओके सी एस थ्री ऊपर निकल गया, तो ये ऐसे के ऐसे ही, देखिए ये उंगली ऐसे कैसे कनेक्ट हो गई, ऐसे ये तो आया ऐसे और ये ऐसे कनेक्ट हो गए। ओके तो देखिए फेनिल बना क्या ये वाला, ओके तो ये वाला कहाँ से आया, ये वाला आया ऐसे, ओके ये ऐसे आया और ये ऐसे आया और एच एम जी कोए बना। इसके बाद एच एम जी कोए ने क्या किया, एच एम जी कोए फिर ब्रेकडाउन हुआ छह कार्बन से चार कार्बन और दो कार्बन में, चार कार्बन बना असिटो एसिटेट, असिटो एसिटेट क्या है, दिस इज द कीटोन बॉडीज, तीन कीटोन बॉडीज में से सबसे पहले ये बनती है, उसके बाद अनदर दो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन भी यही करती है। तो देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ओनली सी डबल हाइड्रोजन का, इसमें इसमें ओनली हाइड्रोजन का डिफरेंस है और सब कुछ सेम है, जबकि ये वाला प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, इसमें चार कार्बन इसमें तीन कार्बन, मतलब एक कार्बन कम करना है तो क्या निकलेगा, सीओ टू। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द कीटोन बॉडी सिंथेसिस। ओके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके अगर आपको इसका ढंग से पिक चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। ओके आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।